तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। एंड दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ स्टेप के फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताया हूं, जैसे कि आप अपने फेस को व्हाइट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं जानकारी दिया हूं। एंड दोस्तों पिछली वीडियो मैंने ओरिजिनल पिक का लिंक नहीं दिया था, जिससे कि बहुत लोगों का कमेंट आया कि भैया आपने ओरिजिनल पिक का लिंक नहीं दिया है। तो आपको इस वीडियो में दोनों पिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो अभी एडिट कर रहा हूं और पिछली वीडियो में जो मैंने आप लोग दिखाया था। तो दोनों पिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर के आप लोग डाउनलोड कीजिएगा एंड आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और इस तरह का एडिटिंग कीजिएगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टैग भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों अभी तक आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस पे आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं आरकेपीएस फोटो एडिटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, और इस फोटो में जो मैंने एडिट किया है उस फोटो में आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाएंगे। हालांकि ये फोटो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे क्लिक हुआ है और इस फोटो को मैंने नाइट में क्लिक किया था। और यहाँ पे आप लोग मेन डिफरेंट पाएंगे ना कि ये मेरा फोन जो है ना ब्लैक कलर में है, लेकिन इसको मैंने रेड कलर में कन्वर्ट किया है, वो भी एट टू डेस्क में। ठीक है, पिक्सआर्ट का मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पिक्सआर्ट में बहुत बार ये होना तो फोटो की क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रेड कलर में किया है, वो भी एट टू डेस्क में। एट टू डेस्क में मैंने अपने फेस को भी बहुत ही अच्छा बनाया है। तो चलिए हम एडिटिंग को अपने स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, इस फोटो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे लाइटरूम मोबाइल के अंदर। ठीक है, अब लाइटरूम के अंदर हम भेजेंगे और इस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर के डाउनलोड कीजिएगा एंड आप लोग इस पर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग टैग जरूर से कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं कैसे एडिटिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली अपने फोटो को ओपन कर लेंगे लाइटरूम के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कलर करेक्शन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना इस फोटो में। ऑलरेडी ये मेरा फोटो बहुत ही अच्छा क्लिक हुआ है, तो यहाँ पर लाइट पर जाना है और थोड़ा सा एक्सपोजर को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सपोजर बढ़ाने से ना थोड़ा सा मेरे फेस पे लाइट आएगा एंड साथ ही साथ शैडो को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको कलर पे जाना है और कलर पे जाते के साथ यहाँ पे देखिए रेड येलो कलर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ग्रीन को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे और यहाँ पे इसके ह्यू को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। साथ ही साथ मेरे जो फेस का कलर है ना, यहाँ पे देखिए फेस का कलर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मेरे बैकग्राउंड में भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा फेस और बैकग्राउंड दोनों ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो उसको हम बिल्कुल छेड़ेंगे ही नहीं। हमको क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ से सैचुरेशन को बढ़ा लेना है और बाकी जो कलर है यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वार्म टोन देगा, ये कूल टोन देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर को हल्का सा आपको कम यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा कर लेना है, मतलब 4 या 5 तक रखना है। बाकी आपको अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से क्लैरिटी को थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मतलब 5 के आसपास, और यहाँ पे टेक्सचर को भी। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखिए डिटेल का ऑप्शन है, उस पर आपको शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है। नीचे एक ऑप्शन आता है कलर्स नॉइस रिडक्शन, इसको फुल करना है, डिटेल और स्मूथनेस को भी फुल करना है, ताकि जो आपका बैकग्राउंड है ना बिल्कुल बढ़िया से स्मूथ दिखे। ठीक है, और उसके बाद इस फोटो को आपको भेज लेना है डायरेक्टली, आप यहाँ पर भेजिएगा ऑटोडेस्क स्केच बुक में। ठीक है, यहाँ से शेयर टू पे क्लिक करना है और इस फोटो को भेज लेना है ऑटोडेस्क में। अगर आपको ऑटोडेस्क में भेजना नहीं आता है तो सिंपली आप इस फोटो को सेव पहले कर लेना, सेव करने के बाद उस फोटो को फिर से आप ऑटोडेस्क में ओपन कर सकते हैं। अब देखिए मेरा फोटो जो है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर ओपन हो चुका है और मेरा फर्स्ट काम जो होगा ना वो होगा कि मैं अपने फेस को करूँगा स्मूथ। अब देखिए मेरा फेस स्मूथ करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फेस को वाइट कैसे करेंगे, ये भी चीज़ मैं इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले चलिए हम अब क्या करेंगे, स्मूथ करते हैं अपने फेस को। तो स्मूथ करने के लिए आपको सिंपली ये वाला ब्रश चूज करना है, सेटिंग पे जाना है, सेटिंग आपको रख लेना है, आप देख लेना कि आपको कितना, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर रखना 4 या 5 और इधर आप रख सकते हैं 3 या 4। ठीक है, और इतना रखने के बाद आपको इस तरीके से थोड़ा सा जूम करना है अपने फ़ोटो को और ऐसे आपको राउंड राउंड सा घुमाना है अपने फेस पे, जिससे आपका फेस ना स्मूथ होता जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को फास्ट करके फटाफट से इसको स्मूथ कर रहा हूँ और स्मूथ करके उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको अपने फ़ोटो को उस तरीके से आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए इसको वीडियो को स्पीड करूँगा और थोड़ा सा कट एंड क्रॉप भी करूँगा। सो यहाँ पे मैंने फेस को अपने कर लिया स्मूथ। अब स्मूथ करने के बाद ना देखिए यहाँ पे जो जैसे आपका फेस का जो मतलब बना हुआ है ना, सेम वैसे ही आप अपने ब्रश को घुमाइएगा, तब जाकर इस तरीके से आपका फेस जो है स्मूथ हो पाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर गलती करिएगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए लाइनिंग है ना फेस पे, तो ऐसे आपको ब्रश को लेना है, ये नहीं कि आपको ऐसे, तो ये आपका फेस ख़राब हो जाएगा। तो आपको बैक आना है यहाँ से और जिस तरीके से आपका फेस का बना है ना लाइनिंग, वैसे ही करना है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फेस पे 3D इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, यानी डॉज एंड बॉन आप कैसे कीजिएगा अपने फोटो पे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फेस का कलर चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कलर पे, और कलर अपने फेस का आप कैसे चूज कीजिएगा ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपली आपको ये वाला है ना, इसको आपको लेकर जाना है यहाँ पे, हल्का येलो टोन देना है। और नीचे वाला जो आप कर्सर है ना, इसको आपको लेकर चले जाना है इस तरीके से वाइट की तरफ, ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे वाइट कलर हो चुका है, जो कि आपके फेस का कलर होता है। आप चाहें तो यहाँ से आपको थोड़ा रेड में चाहिए तो रेड में कर सकते हैं, येलो में चाहिए तो येलो में आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रश पर जाना है, और ब्रश आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, मीडियम ब्रश। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर लेयर पर क्लिक करना है, नॉर्मल से इसको सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, अगर इसका ऑपेसिटी आपको कम रहेगा, देखिए यहाँ पे 55 है, तो ये देखिए अगर कम रहेगा तो आप जितना बार इस तरीके से कलर कीजिएगा ना, उतना बार आपके फेस पे दिखेगा, तो ये बहुत ही बेकार लगता है। तो आपको यहाँ से बैक आना है और सिंपली आपको इसके ऑपेसिटी को हाई करना है, ठीक है। हाई करने के बाद अब आपको क्या करना है कि पेंट करना है अपने फेस पे। देखिए अब पेंट कीजिएगा तो आपका बहुत ही बेस्ट यहाँ से पेंट होगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करूँ। एक चीज़ मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जब आपको इधर पेंट करना है ना, जैसे यहाँ पे जाना है, जैसे यहाँ पे बहुत ही जहाँ पे कम स्पेस होता है, जैसे यहाँ पे, तो आपको अपने ब्रश के साइज को लेफ्ट की तरफ जाइएगा ना, तो ये छोटा होगा, और इससे इस तरीके से छोटा करके आप पेंट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर बड़ा रखिएगा ना, तो ये चारों तरफ पेंट होगा, जिससे आपका फेस ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने ब्रश के साइज को छोटा बड़ा करके पूरे अपने फेस में पेंट कर लेना है बहुत ही अच्छा तरीका से। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करूँगा एंड इसको फटाफट से मैं पेंट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने पेंट कर लिया, और थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके ऑपेसिटी को कम करेंगे। कम करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रश के साइज़ को जूम करेंगे, और इस तरीके से ऑपेसिटी को मतलब कम करते हुए अपने फेस में ना इस तरीके से लाइनिंग जो है ना, इसको रिमूव कर देंगे, जिससे मेरा फेस ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा येलो दिख रहा होगा, लेकिन इसको मैं अभी यहाँ पर कलर भी चेंज करूँगा, जिससे मेरा फेस ना रियलिस्टिक यहाँ पे कलर दिखने लगे मेरे फेस का, ठीक है। और इधर भी है, तो इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा ना कि ये मतलब लाइनिंग दिखेगा नहीं। अब इसको मैंने कर लिया, उसके बाद देखिए मेरा फेस का कलर बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद कलर एक्सेल एडजस्टमेंट पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने फेस का कलर थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से वाइट हो गया, और इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से कीजिएगा ना, तो ये और भी ज़्यादा इसका कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको इतना रखना है, ये बेस्ट आपके फेस में लगता है, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा सा रेड वाला टोन भी दे सकते हैं, बाकी आपके मर्ज़ी, आपको कैसा रखना है। ज़्यादा वाइट रखना है तो वाइट रख सकते हैं, ब्लैक रखना है तो आप यहाँ से ब्लैक रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है, उसके बाद यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद अपने लिप्स का कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे जाना है, एक लेयर लेना है, और सिंपली आपको ये ब्रश आपको यहीं लेना है, आपको रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी, ब्रश आपको चेंज करना है, आपको ये वाला ब्रश लेना है, ठीक है। और लेयर पर जा करके आपको नॉर्मल से इसको सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करना है, और ब्रश के साइज़ को आपको कम ही रखना है, और इस तरीके से जूम करना है, और ऐसे आपके लिप्स में ना चलाना है बार बार। तो देखिए हल्का सा लिप्स आपका रेड कलर दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर है ना आपके चश्मा में, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कीजिएगा ना, तो ये और भी बेस्ट लगेगा। देखिए कितना बेस्ट लग रहा है। तो इधर भी है थोड़ा सा रेड वाला टोन यहाँ पे नीचे दीजिएगा ना, तो आपका कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए कितना बेस्ट लग रहा है। अब आपको एक और लेयर लेना है अपने फेस में, डॉज एंड बर्न टाइप का देना है। तो उसके लिए आपको कलर कौन सा लेना है, देखिए हल्का येलो लेना है। देखिए जैसे यहाँ पे हल्का येलो है ना, और यहाँ भी हल्का येलो है ना, तो वही कलर आपको लेना है डॉज एंड बर्न के लिए। तो आपको जाना है यहाँ पर कलर पर, और कलर आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, और थोड़ा सा यहाँ पर वाइट रखना है, और ब्रश आपका यहीं रहेगा। आपको बस यहाँ पर जाना है और सबको सॉफ्ट लाइट करते जाना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको अब डॉज एंड बर्न देना है, मतलब अपने फेस में ना एक 3D लुक देना है, जो कि आप यहीं से दे सकते हैं। हालांकि आप ब्लैक से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक से उतना बेस्ट नहीं लगेगा। आपको ये वाला कलर लेना है, जिससे कि मतलब ये बेस्ट दिखे, ठीक है। इस तरीके से आप लाइनिंग कीजिएगा ना, तो आपके फेस में ना एक 3D लुक मिलेगा, ठीक है। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप जब कीजिएगा ना, तो आपको बेस्ट यहाँ से लगेगा। तो इतना करने के बाद अब मेरा मेन काम है ना, जो कि मेरे आईफोन का कलर चेंज करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है स्केल वाले ऑप्शन पे, और इनपुट इमेज पे क्लिक करना है, और आपको एक मैं PNG दे दूंगा, उस PNG को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस PNG को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। आपको देखिए मैंने ऐड कर लिया,
ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे साइज अपना डिसाइड करना है। हालांकि आपका कोई सा भी फ़ोन रहेगा तो वहाँ पे आप इसको सेट कर लेना है इस तरीका से। और पहले तो राइट करना है, राइट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑपेसिटी को आपको कम कर लेना है। ऑपेसिटी कम करने से ना आपको डिसाइड हो जाएगा कि मुझे क्या साइज रखना है, फिर ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके आपको अपना साइज यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। साइज देखिए अगर बेस्ट है, साइज अगर बढ़िया है तो हम उतना पर रख देंगे। और यहाँ से जाएंगे और इस तरीके से ब्रश पे जाना है आपको, इरेजर ब्रश, ये वाला ब्रश लेना है। और ब्रश लेने के बाद आपको इस तरीके से फ़ोटो को जूम करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको ब्रश के हार्डनेस को आपको बढ़ाना है और इसके साइज को कम करना है। और इस तरीके से आपको इरेज कर देना है, जो भी साइड साइड का जो पार्ट्स है ना, जो हमको ज़रूरत नहीं है उसको इरेज कर लेना है। तो चलिए मैं इसको फास्ट करके फटाफट से इरेज कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने इरेज कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से जाना है और इस लेयर को ना आपको पूरा यहाँ पे ऑपेसिटी हाई करना है। और देखिए आपका यहाँ पे आईफोन का जो कलर है चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मेरा पूरा काम हो चुका है सिंपली। अब यहाँ से इस फोटो को हम क्या करेंगे, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना है आपको, सेव करना है। लेकिन डायरेक्ट मैं इसको शेयर कर ले रहा हूँ ताकि इस टाइम जो है सेव हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से करना है और यहाँ पे इस फोटो को टूल वाइज एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है। टूल वाइज के अंदर ओपन करने के बाद आपको कौन सा काम करना है, जो कि आपको पता है कि मैं इसको हर वीडियो में करता हूँ, उसके लिए आपको इनहेंस पे जाना है, शार्पन पे जाना है। और यहाँ से शार्पनिंग पे जनरल चूज करना है और यहाँ से इसका अपोसिटी ना कम रखना है। और यहाँ से मास्क पे जा करके ना पहले तो आपको यहाँ पे क्लीन करते हुए आपको ओनली अपने बीएड पे दे देना है, बीएड और जो आपका मूछ है ना, दाढ़ी, इस पे देना है। और थोड़ा सा अपने यहाँ पे हेयर पे भी देना है, यहाँ पे शार्पनिंग, ताकि आपका हेयर यहाँ चमकीला दिखे। और यहाँ से राइट करना है। राइट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्मज पे जाना है और यहाँ पे सॉफ्ट स्मज पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे आपको तीन नंबर जो ऑप्शन है ना, दो नंबर, इसको आपको सेलेक्ट करना है, मास्क जाना है, क्लीन कर देना है और उसके बाद इस तरीके से अप्लाई कर देना है। देखिए आपका फेस पे जो दाढ़ी है ना, काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखेगा। और जब आप फ़ोटो को सेव कीजिएगा ना तो ये और भी बेस्ट दिखेगा, ठीक है। तो आपको इतना काम कर देना है, उसके बाद यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद फाइनली आपका फ़ोटो बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है, तो आपका फ़ोटो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चलना तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि हम अपने लिए इस तरह एडिटिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।